हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, नवरात्रि में गायत्री साधना कैसे की जाए? नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वार और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रि रहती है। यह समय गायत्री साधना के लिए सबसे अधिक अच्छा होता है। इन दिनों में उपवास रखकर 24,000 मंत्रों के जप का छोटा अनुष्ठान कर लेना चाहिए हम सभी को। यह छोटी साधना भी बड़ी साधना के समान ही बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। अब सवाल ये है कि इस साधना को करने के लिए क्या उपवास रहना पड़ेगा? तो जी हाँ, इसमें उपवास जरूरी है। उपवास के लिए आप एक समय अन्नाहार ले सकते हैं या एक समय फलाहार, दो समय दूध या फल का आहार या केवल दूध का आहार। इनमें से जो भी उपवास आपको जमे, जो आपके लिए उपयुक्त हो, आप उसी के अनुसार साधना प्रारंभ कर सकते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर और जो नियम बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उपासना के लिए आपको बैठ जाना चाहिए। 9 दिन में आपको 24,000 जाप करने हैं, यानी कि प्रतिदिन 2,667 मंत्र जपने हैं। 2,667 मंत्र आपको जपने हैं। एक माला में 108 दाने होते हैं, पर गिने सो ही जाते हैं। 8 जो दाने होते हैं वो भूल चूक के लिए छोड़ दिए जाते हैं। प्रतिदिन आपको 27 मालाएं जपने से यह संख्या आपकी पूर्ण हो जाएगी। 3-4 घंटे में अपनी आप स्पीड के अनुसार इतनी मालाएं आसानी से जपी जा सकती हैं। यदि आपको 3-4 घंटे एक साथ बैठने में परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप 2 बार में इस साधना को कर सकते हैं। यानी कि सुबह आप ज़्यादातर अपना जाप पूर्ण कर लें और शाम को भी जितना बची हुई 27 मालाओं में से जितनी माला है वो आप शाम को भी कर सकते हैं। अंतिम दिन आपको हवन करना है। उस दिन पूर्ण में जो वर्णित आपकी हवन विधि आप है उससे आप हवन करें। कम से कम आपको हवन में 108 आहुतियों का हवन आपको करना है। ब्राह्मण को यदि आप भोजन कराना चाहें तो आप ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। यज्ञ पूर्ति के बाद आपको दान दक्षिणा भी दे सकते हैं, कन्या भोजन भी करा सकते हैं। आपकी जितनी रुचि हो आप उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। यह जो अनुष्ठान है यह बहुत छोटा अनुष्ठान है, 9 दिन का अनुष्ठान है। नवरात्रियों के समय से यदि प्रतिवर्ष इसको किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम है। स्वयं यदि आप ना कर सके तो किसी ब्राह्मण, सुपात्र ब्राह्मण जो हो उससे आप इसको करा सकते हैं। यह 9 दिन की साधना के लिए बड़े ही उपयुक्त होते हैं। कष्ट निवारण के लिए, कामना यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए, या अपना खुद का आत्मबल बढ़ाने के लिए आप जो भी साधना इस दिन 9 दिन करेंगे वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।